सो हे गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज अवनीश एंड वेलकम टू माय चैनल टेक टर्मिनस। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपकमिंग 5G फोन्स इन जनवरी 2021। आप सभी जानते हैं भैया, यहाँ पर जियो ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि 2021 के मिड हाफ में यहाँ पर आपको 5G सर्विस यहाँ पर जियो का देखने को मिल जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि जुलाई जून के आसपास यहाँ पर जियो का 5G इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। जैसे ही 5G आएगा तो 4G फोन्स की डिमांड थोड़ा कम होने लगेंगे और सभी यही सोचेंगे कि क्यों ना हम भी 5G फोन में अपग्रेड करते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यही मुद्दे में बात करने जा रहे हैं कि हमारे जो 20,000 टू 25,000 के बीच कौन कौन से 5G फोन जनवरी 2021 में लॉन्च होने जा रहे हैं। सो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर पहला फोन आता है Xiaomi का Redmi Note 10 Pro। जी हाँ, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा Snapdragon का 765G प्रोसेसर जो कि 5G सपोर्टेड रहेगा। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको Octa-Core प्रोसेसर देखने को मिलता है, वही डिस्प्ले है 6.7 इंच और डिस्प्ले का PPI है 393। अगर बात करें भी यहाँ पर बैटरी क्या दिया जा रहा है तो यहाँ पर आपको 5100mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर फास्ट चार्जिंग और USB Type-C का सपोर्ट दिया गया है। एंड बात करें रैम क्या रहेगा तो 6GB के रैम से स्टार्टिंग होगा। इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 19,000 और ये फोन आपको जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट फोन की तरफ। तो यहाँ पर भी सेकंड फोन आता है OnePlus का Nord N10। अभी OnePlus का Nord मार्केट में ऑलरेडी धूम मचाया हुआ है और स्टॉक का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है OnePlus Nord का। तो यहाँ पर आपको जनवरी में OnePlus Nord N10 देखने को मिल जाएगा। ये 5G स्पेक्ट्रम सपोर्टेड रहेगा। अगर कुछ स्पेक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको Octa-Core प्रोसेसर देखने को मिलता है और Snapdragon का 690 प्रोसेसर जो कि बिल्कुल लेटेस्ट रहेगा 5G वेरिएंट में। और डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जिसका PPI 406 रहेगा। नॉर्मल से बात है, OnePlus का डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू Xiaomi एंड Realme फोन्स। अगर बात करें रिफ्रेश रेट के बारे में तो यहाँ पर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। और देखते हैं यहाँ पर बैटरी क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको 4300mAh का बैटरी देखने को मिलता है और वार्फ चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया गया है कि चार्जर एडाप्टर कितने वाट का रहेगा, बट यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग का सपोर्ट रहेगा तो उम्मीद है अच्छा ही यहाँ पर आपको चार्जिंग टाइम देखने को मिले। और OnePlus Nord N10 का यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्राइस देखने को मिल जाता है 28,790 रुपीज। सो प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, OnePlus Nord भी 25,000 टू 30,000 के बीच है। तो यहाँ पर N10 भी आएगा, उसका भी प्राइस वही 28,000 रहेगा। तो आप जरूर ये फोन अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट फोन आता है Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G वेरिएंट। अब देखते हैं ये फोन में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पर आपको Octa-Core प्रोसेसर देखने को मिलेगा जिसका फ्रीक्वेंसी रहेगा 2.2 GHz। वहीं अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको Snapdragon 750G प्रोसेसर देखने को मिलता है, 6GB रैम रहेगा एंड डिस्प्ले यहाँ पर 6.67 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जिसका PPI है 395 और 120Hz का रिफ्रेश रेट ऐसा माना जा रहा है। यहाँ पर Xiaomi 120Hz का डिस्प्ले ला रहा है, ये देखने वाली बात रहेगी कि 120Hz में हमारा जो परफॉर्मेंस रहेगा डिस्प्ले का, गेमिंग का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप बिल्कुल मज़े उठा सकते हैं, जितने भी गेम्स हैं आप आसानी से खेल सकते हैं। यहाँ पर कैमरा के बारे में बात करें तो 108MP ऐसा कैमरा शो कर रहा है। अब देखते हैं क्या रहता है, Xiaomi तो कुछ ना कुछ लाते रहता है। और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस यहाँ पर रखा गया है 18,000। 4820mAh का बैटरी आपको देखने को मिलेगा, टाइप सी सपोर्ट रहेगा। अब जितने भी फोन्स आएंगे लगभग मेरे को तो लगता है कुछ साल में माइक्रो USB खत्म ही हो जाएगा, सीधा टाइप सी चलेगा, क्योंकि जो स्पीड रहता है डेटा ट्रांसफर का, चार्जिंग का, वो एज कम्पेयर टू माइक्रो USB आसानी से बढ़ जाता है। सो गाइस, यहाँ पर अभी नेक्स्ट फोन आता है Realme X7 Pro। जी हाँ, Realme X7 Pro का यहाँ पर प्राइस रहेगा 23,490। इसमें भी आपको 5G देखने को मिल जाएगा। अगर प्रोसेसर के बारे में बात करो तो यहाँ पर आपको MediaTek का कुछ प्रोसेसर देखने को मिलेगा, अभी ये बात क्लियर नहीं हुई है। और Octa-Core प्रोसेसर रहेगा जिसका फ्रीक्वेंसी रहेगा 2.6 GHz, 8GB रैम के साथ ये देखने को मिलेगा। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल लेवल का फ़ोन है, इसका प्राइस यहाँ पर देखने को मिलता है 23,490 रुपीज़। अगर बात करें कैमरा के बारे में तो यहाँ पर आपको 64MP का कुछ प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा और 32MP का फ्रंट कैमरा। अगर बात करें गाइस डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पर आपको 6.55 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि एमोलेड डिस्प्ले रहेगा और PPI है इसका 402। 120Hz का यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसमें इसमें भी आपको एक्सपीरियंस अच्छा देखने को मिल जाएगा।
सो अगर आप 5G लेना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए जनवरी तक, क्योंकि यहाँ पर अभी अच्छे अच्छे फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा 5G फोन चूज करने में, क्योंकि करेंट में अभी मार्केट में कुछ ही अभी 5G फोन्स अवेलेबल है, जैसे नॉट का और वीवो का कुछ फोन आए हैं। बाकी आप वेट कीजिएगा, आपको जनवरी 2021 में अच्छे खासे 5G फोन देखने को मिलेगा, वो भी आपके बजट में। सो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट फोन आता है सैमसंग A52। जी हाँ, A51 भी बहुत अच्छा चला है ये फोन। अब यहाँ पर आपको सैमसंग A52 देखने को मिलेगा 5G वेरिएंट के साथ। यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर देखने को मिलेगा और ऑक्टाकोर प्रोसेसर रहेगा जिसका फ्रीक्वेंसी रहेगा 2.2 GHz। अगर यहाँ पर बैटरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 400mAh का फास्ट चार्जिंग बैटरी देखने को मिल रहा है। एंड कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 64MP का प्राइमरी कैमरा एंड 32MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। तो आप बिल्कुल सैमसंग का फ़ोन भी अवेल कर सकते हैं अगर सैमसंग यूज़र है। बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो सैमसंग के फ़ोन ही पसंद करते हैं। खासकर मैं सैमसंग का फ़ोन इसलिए रिकमेंड करूँगा, आप जैसे कोई ऑफिस वर्क करते हैं नॉर्मल, तो जो सैमसंग का आपको डिस्प्ले क्वालिटी मिलेगा सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी, वो किसी के पास नहीं है मार्केट में सिवाय वन प्लस वगैरह के पास। क्योंकि जो सैमसंग का डिस्प्ले रहता है सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी, वो शैडोज को अच्छा से रिकवर करता है। अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं। साइड में आप M21 रखिएगा और एक तरफ आप Redmi Note 9 Pro रखिएगा और कोई भी वीडियो चला के देखिएगा, आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों के डिस्प्ले क्वालिटी में। अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ये फ़ोन आपको 20,000 के प्राइस के अंडर देखने को मिल जाएगा, सैमसंग का A52, और ये लॉन्च हो जाएगा जनवरी के मंथ में। यहाँ पर नेक्स्ट फोन आता है गाइस Xiaomi Redmi Note 9 5G। Note 9 Pro तो आया ही था, तो यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी कि आपको 15,000 में 5G फ़ोन देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और 6GB रैम रहेगा और ऑक्टाकोर प्रोसेसर रहेगा। अगर बैटरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 5000mAh का बैटरी देखने को मिलेगा इस Redmi Note 9 5G में, और फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया जाएगा यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि मार्केट में न्यू 5G फोन्स आते रहेंगे, तो आप जरूर वेट कीजिएगा अगर फ़ोन लेना चाहते हैं, क्योंकि जनवरी में ज़्यादा दिन नहीं बचा है और क्योंकि 5G का क्रेज रह गई, जैसे ही 2021 का मिड आएगा सब 5G फोन लेने स्टार्ट कर देंगे। तो आप अभी बिल्कुल 4G फोन मत ले अगर आपको 5G यूज करना है तो। सो गाइस यहां पर फ्लैगशिप लेवल में एक और फोन देखने को मिल रहा है, वो है Xiaomi M11 Pro। इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा रहेगा 50,000 के आसपास। यहां पर आपको स्नैपड्रैगन का भारी भरकम प्रोसेसर 865 प्लस देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल एक अच्छा प्रोसेसर रहेगा, कोई आपको लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ऑक्टाकोर प्रोसेसर रहेगा 3.1 GHz के से और फ्रीक्वेंसी रहेगा और 12GB रैम के साथ ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वही कैमरा के बारे में बात करें तो आप Xiaomi सीधा 64 से 108 MP में जा रहे हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। अब भैया इन लोग कुछ भी बना के रखें, क्वालिटी तो उतना देते नहीं है और बस मेगापिक्सल का यहाँ पर स्टिकर लगा रहे हैं। 108 MP का फ़ोन मतलब DSLR का क्रेज ही खत्म? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी जानते हैं DSLR और मोबाइल के कैमरे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इवन आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो पिक्सल्स का क्वालिटी रहता है, जो पिक्सल काउंट रहता है, वो DSLR का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है इस कंपेयर टू मोबाइल फोन्स। और अगर आपको लेना है अभी दिसंबर में फ़ोन, तो अभी कुछ कुछ 5G फोन है, उसका नाम मैं यहाँ पर अनाउंस कर देता हूँ। जो iPhone 12 है वो 5G स्पेक्ट्रम के साथ आता है। सेकंड फोन है OnePlus 8 Pro, जिसमें आपको 5G देखने को मिल जाता है। थर्ड फोन है यहाँ पर Samsung Galaxy Note 20 Ultra। जी हाँ, Samsung Galaxy Note 20 Ultra यहाँ पर 5G के साथ आ जाता है। नेक्स्ट फोन है यहाँ पर Xiaomi का Mi 10, ये भी आपको 5G के साथ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर OnePlus Nord आता है, ये भी 5G सपोर्टेबल है। नेक्स्ट फोन यहाँ पर आता है Moto G 5G। जी हाँ, ये फ़ोन अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ है, इसका प्राइस अराउंड 22,000 है। इसको आप बिल्कुल अवेल कर सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। 4GB रैम है, 5000mAh का बैटरी है और स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर, मतलब जितने भी Xiaomi के 5G फोन्स में आने वाले प्रोसेसर हैं वो अभी Moto के G5G में दिया गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ये फ़ोन अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पर और कुछ फ़ोन है, OnePlus 8 में भी आपको 5G देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर Realme X50 Pro 5G, ये भी फ़ोन लॉन्च हो गया है, इसका प्राइस अराउंड है 41,999 रुपीज़। एंड नेक्स्ट फोन है यहाँ पर Asus ROG फोन 3, इसमें भी आपको 5G देखने को मिल जाता है। सो गाइज अभी फोन्स इतने ही हैं 5G में, अगर आप लेना चाहते हैं तो जितने भी फ़ोन का मैं नाम अनाउंस किया हूँ वो सभी 5G फोन्स हैं जो करेंट में अवेलेबल है।
और इसके पहले जो बताया वो जनवरी में लॉन्च होने वाला है। सो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।